जिले में आमगांव नगर परिषद की स्थापना का मामला पिछले 9 वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। अभी तक इस मामले पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। परिणाम स्वरूप नागरिक बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, जिसके तहत 8 गांव के नागरिकों ने एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। नागरिकों की न्यायिक मांग के अनुरूप राज्य सरकार ने 2 अगस्त 2017 को आमगांव में 8 गांव वाली नगर पंचायत से नगर परिषद की स्थापना को लेकर चुनाव कार्यक्रम घोषित किया था, लेकिन आमगांव शहर के कुछ जनप्रतिनिधियों ने इसे न्यायालय में चुनौती दी। इसमें उच्च न्यायालय नागपुर के निर्देश पारित कर नगर परिषद चुनाव स्थगित कर दिए गए। इस आदेश को दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने SLP दायर की और नगर परिषद के संबंध में नागपुर उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगन प्राप्त कर लिया। पिछले 9 वर्षों से नगर परिषद की स्थापना का मामला राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। परिणाम स्वरूप नगर परिषद सीमा में आने वाले 8 गांव विकास से वंचित हो गए हैं। आमगांव नगर परिषद संघर्ष समिति के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद की स्थापना के न्यायिक मामले को निपटाने के लिए कई प्रयास किए गए, विरोध प्रदर्शन और मोर्चे आयोजित किए गए, लेकिन मामला नहीं सुलझा। इसलिए नगर परिषद संघर्ष समिति की पहल पर आक्रामक रुख अपनाते हुए आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में नागरिकों ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी प्रेषित किया है। इस अवसर पर रवि क्षीरसागर, पिंटू अग्रवाल, राजेश शिवनकर, कविता रहांगडाले, मुन्ना गौली, मोरेश पटले, संतोष श्रीखंडे, राजीव गानोरकर, देवानंद बहेकर, जनक बहेकर, मोहन वानखेड़े, उत्तम नंदेश्वर, गजानन भंडारकर, पीके शेंडे, सुनंदा येरने आदि उपस्थित थे। आज नगर परिषद आमगाव संदर्भात प्रेस कॉन्फरन्स आयोजित करण्यात आली आहे। राज्य सरकारने 2017 नगर परिषदेची स्थापना केली आणि तो प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये। राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये तो न्यायप्रविष्ट प्रकरण निकाली काढण्यासाठी अद्यापर्यंत कोणतेही पाऊल उचलले नाही। यासाठी नगर परिषद संघर्ष समितीने अनेक वर्षापासून संघर्ष केला, अनेक आंदोलन केले, ठिय आंदोलन केले, उपोषण केले, परंतु राज्य शासनाने अद्यापर्यंत कोणतीही दखल घेतली नाही। त्यामुळे न्यायप्रविष्ट प्रकरण हा राज्य शासनाच्या वतीने आजही न्यायप्रविष्ट आहे आणि न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे 8 गावातील 30,000 लोकसंख्या असलेल्या नागरिकांना कोणत्याही मूलभूत सुविधा मिळत नाही आहेत। शोकांतिका ही आहे की केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजना भरपूर आहेत, पण त्या योजनांचा लाभ एकही नागरिकांना मिळत नाही। ते घरकुलचा प्रश्न असो, शौचालयाचा प्रश्न असो किंवा विविध योजनांचा प्रश्न असो, आजपर्यंत राज्य शासनाच्या 10 वर्ष न्यायप्रविष्ट प्रकरणामुळे आमगावातील समाविष्ट 8 गावे हे योजनांपासून वंचित आहेत। याने योजना भरपूर आहेत, पण योजनांचा लाभ आणि लाभार्थी हे शून्य आहेत। राज्य शासनाने याकडे कोणती दखल घेतली नाही। अनेक निवेदने लोकप्रतिनिधींनी, संघर्ष समितीच्या वतीने माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे अनेकदा दिले, परंतु त्या निवेदनांना राज्य शासनाने केराच्या टोपलीमध्ये टाकून ठेवलं आहे। त्यामुळे संघर्ष समितीने आता हा निर्णय घेतला आहे की अंतिम निर्णय घ्यायचा आहे की येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये व तदनंतर जे काही निवडणुका राहतील त्यांवर आम्ही सामूहिक बहिष्कार घालणार आहोत। 8 गावातील नागरिकांनी निर्णय घेतला आहे की जोपर्यंत राज्य शासन न्यायप्रविष्ट प्रकरण हा निकाली लावत नाही तोपर्यंत येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकी नंतर जे कोणतेही निवडणुका येतील त्या सर्व निवडणुकांवर आम्ही सामूहिकरित्या बहिष्कार घालण्याचा हा निर्णय घेतला आहे नागरिकांनी आणि राज्य शासनाने याकडे तात्काळ लक्ष घालावं, जेणेकरून न्यायप्रविष्ट प्रकरण हा निकाली काढता यावं आणि नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळाव्या।
भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।